So let us start our new lesson. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook जी ने Alan East के साथ मिलकर इसमें अपनी ही विश्व भ्रमण की यात्रा में उठाई हुई कठिनाइयां और कैसे वह खुद के जानलेवा खतरे से बाहर निकले और अपने बाकी के साथियों को बचाकर निकाला, उसकी यह कहानी यहाँ पर उन्होंने रखी है। तो देखते हैं कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट क्या बताते हैं। इन जुलाई 1976, माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड। बताते हैं 1976 जुलाई के महीने में मेरी पत्नी मैरी, वह व्यापारी बता रहे हैं, उनका पुत्र जोनाथन जो कि 6 वर्ष का है, उनकी बेटी डॉटर सुजैन जो कि 7 वर्ष की हैं, एंड आई और वह खुद सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ। सेट सेल यहां पर पाल चढ़ाया, कहने का मतलब यात्रा की शुरुआत की। कहां से? फ्रॉम प्लायमाउथ, प्लायमाउथ नाम के स्थान से इंग्लैंड के। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। यह काम उन्होंने कैप्टन जेम्स कुक के जो 200 साल पहले यात्रा की गई थी राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, उसके नकल के लिए, उसके डुप्लीकेट मतलब उसको फॉलो करते हुए इन्होंने यह जो योजना थी वह बनाई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मैरी और मैं, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी हूं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। हमने क्या किया? हमने भी ऐसे एक यात्रा का, एक नौका यात्रा का सपना देखा। सेलिंग मीन्स नौका यात्रा। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा को हमने क्या किया? फॉलो किया, उनके ही अनुसार हमने अपनी यात्रा की का सपना देखा। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। एंड फॉर पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, हमने अपने सारे खाली समय को किसमें व्यतीत किया? होनिंग आवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। ब्रिटिश वाटर्स में हमने अपने सी फायरिंग, समुद्र की यात्रा करना, सी फायरिंग स्किल, समुद्र की यात्रा का कौशल को होनिंग, को पैना करने के लिए, जैसे शेर अपने पंजों को पैना करता है, जैसे अपने बैल अपने सींगों को पैना करने का प्रयास करता है, हिरण अपने सींगों को पैना करती है दीवार में, पत्थर में, पेड़ में रगड़ के, उसे कहते होनिंग। तो इन्होंने अपने समुद्र की यात्रा की कौशल को पैना किया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने उसके लिए सारी बारीक तैयारियां की पिछले 16 सालों से। वह समुद्र में जाके उस अपने समुद्र की यात्रा में जितने कौशलों की आवश्यकता है उन सब की बारीक से बारीक तैयारी की। दैट इज द होनिंग ऑफ सी फायरिंग स्किल्स। आवर बोट वेव वॉकर, इनके जहाज का नाम क्या था? वेव वॉकर। 23 मीटर लंबा, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, वह एक वुडन हर्ल्ड ब्यूटी थी। वुडन हर्ल्ड मतलब हल, मतलब ऊपर आप देख सकते हैं, यह आपको चित्र में दिख रहा होगा, जहाज के बोट के नीचे का हिस्सा, उसे हम हल कहते हैं। और वो किस चीज का था? वुडन, लकड़ी का बना हुआ था। आज के समय में वो स्टील के भी आते हैं और लोहे के भी आते हैं, तो वहां पर वो लकड़ी का बना हुआ था और बड़ा ही खूबसूरत था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे बिल्कुल व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया गया था। बस प्रोफेशनली बिल्ट का मतलब बहुत हर एक चीजों का ध्यान रखते हुए। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने महीनों इसे तैयार करने में और इसकी
परीक्षा इसका परीक्षण करने में लगाए थे। और हम इनका परीक्षण कहाँ किए थे वे, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितने भी खराब से खराब मौसम हमें मिलते इन समयों में, परीक्षण के समयों में, तो हम इस बोट को वहां लेके पहुंच जाते ताकि हमें जब वास्तविक यात्रा की शुरुआत हो और हम बीच समुद्र में हो तो हमें कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि अब आप देखेंगे कि समुद्र के बीच में जाने के बाद आप किन परेशानियों से जूझ सकते हैं, जिसकी वो तैयारी सतत कर रहे थे। अब बताते हैं द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। कहने का मतलब है हमारे नियोजित 3 वर्षों का पहला चरण, फर्स्ट लेग। जैसे हमने अभी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में फर्स्ट फेज सेकंड फेज पढ़ा था ना, वही यहां पर लेग है उनके। फर्स्ट लेग मतलब पहला चरण, मतलब उनकी यात्रा का पहला जो हिस्सा है, जो कि उन्होंने 3 वर्षों के लिए नियोजित थी। 3 वर्षों में उन्होंने पूरा मतलब योजना बनाई थी कि हम 3 वर्षों में यात्रा पूरी कर लेंगे। उसका पहला चरण 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली। उनके जो पहले चरण का 105,000 किलोमीटर था वह बड़े ही शांति से बीत गया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जब वो वेस्ट कोस्ट से पश्चिमी कोस्ट से अफ्रीका के केप टाउन के लिए यात्रा कर रहे थे, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमेन। तो हमने क्या किया, 2 और क्रूमेन अपने लिए हमने हायर कर लिए, व्यवस्था कर ली उनकी। उनमें से एक थे अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे थे स्विस हर्ब सिटलर। इन 2 नामों के क्रूमेन्स को हमने अपने साथ रख लिया, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, ताकि वह हमें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र से हमें हमारी मदद कर सके। और वह कौन सा सी है दुनिया का सबसे खतरनाक, द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण हिंद महासागर। यह सबसे ज्यादा तूफानी लहरों वाली समुद्रों में से माना जाता है। ऑन आवर सेकंड डे ऑफ केप टाउन, हमारे केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम गेल्स, यहाँ पे गेल्स का मतलब है बहुत ही भयानक हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, भयानक हवाओं से हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और अगले कुछ हफ्तों तक की यह लगातार इसी प्रकार से खतरनाक तरीके से चलती रही। डिड नॉट वरी मी, यह हवाएं मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, पर इन लहरों की जो का जो आकार था वह मेरे दिमाग में घंटी बजा रहा था, खतरे की घंटी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, उन लहरों की ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर तक की वह ऊपर उठ रही थी, और उतना ही ऊपर उठ रही थी जैसे उनका जितना उनका मेन मास्ट, मास्ट में जो बोट के बीच में लगा होता है जिसमें सारे रस्सियां वगैरह लगी होती है, आपने देखा होगा, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा मास्ट, ये है बोट का में जो मास्ट लगा होता है, वो नीचे से लेके ऊपर तक एक बड़ा सा डंडा, तो उतनी ऊंची है लहरें उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, 25 दिसंबर तक के बाद 3500 किलोमीटर केप टाउन के ईस्ट से वह यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, इतनी भयानक खराब मौसम के बावजूद, एट्रोसियस बहुत खराब, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमने क्या किया, अपना बहुत शानदार जो क्रिसमस था वह त्योहार अपने क्रिसमस ट्री के साथ मनाया। न्यू ईयर दे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल के दिन तक के मतलब अब 1 तारीख आ गई थी तब तक भी मौसम में कोई सुधार या कोई परिवर्तन या कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हमने विचार लगाया, तर्क लगाया कि इसे तो बहुत जल्दी अभी अब बदलेगा, इसे बदलना होगा, एंड इट डिड चेंज, और बदला भी, फॉर द वर्स, पर और खराब हुआ। एट डॉन ऑन 2 जनवरी, डॉन सुबह का वक्त, भोर का समय, 2 जनवरी की सुबह सुबह के वक्त, द वेव्स वर जाइजेंटिक,
बहुत बड़ी भयानक राक्षसी आकार की जायंट जायजेंटिक। वी वर सेलिंग ओनली विथ अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट। हम छोटे से स्टॉर्म जिब के साथ यात्रा कर रहे थे। स्टॉर्म जिब एक तिकोना कपड़े का पाल होता है, आप देखेंगे ऊपर में इसे कहते हैं स्टॉर्म जिब, ये दिख रहा होगा चित्र में आपको। हम इसके साथ ये रावा को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स, और फिर भी हम एट नॉट्स, नॉट्स मीन्स यहाँ पर एक डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है, ये दूरी मापक जो मात्रक है। एक नॉटिकल मील के बराबर एक नॉट होता है। हवा की रफ्तार और समुद्र में जहाज की रफ्तार को जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर पर किलोमीटर कहते हैं, वैसे यहाँ पे नॉट्स कहा जाता है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ इच वेव वी कुड सी इनलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स एज द शिप रोज टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द इच वेव। जब वह लहरें उठती और वह अपने साथ पूरे जहाज को ऊपर लेकर जाती और जब वो पूरे टॉप में पहुंचते, उस पूरे ऊंचाई में पहुंचते, तो वहां से उन्हें क्या देख रहा, वी कुड सी, हम क्या देख सकते थे, इंडलेस इनॉर्मस सी, वो भयानक फैला हुआ जो इतना बड़ा समुद्र है, अंतहीन समुद्र हमें दिखाई देता, कैसा रोलिंग टूवर्ड्स अस की हमारी तरफ उमड़ते हुए चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और इन जो हवाओं की जो चीख थी, एंड द स्प्रे, और जो फुहारे आ रही थी उस पानी की, पेनफुल टू ईयर से हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। टू स्लो द बोट डाउन, और जहाज की रफ्तार को कम करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड द हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने क्या किया, स्टॉर्म जिब को क्या कर दिया, गिरा दिया, वो पाल को हमने गिरा दिया कि भाई वो हवाओं को अब इस्तेमाल न कर सके। एंड लैश्ड द हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न जो पीछे के भाग में जो पंखा लगा हुआ होता है जहाज के, उसमें जिस शाफ्ट में लगा हुआ होता है उसे कहते हैं स्टर्न, पीछे का भाग। उसको हमने क्या किया, उसमें मूरिंग रोप, वो जो मोटा सा रस्सी होती है मोटी सी, ये आपको दिख रहा रोप, और ये रहा आपका स्टर्न, वो उसमें हमने अक्रॉस उसमें कस के उसमें बांध दिया ताकि वो ज्यादा जोर से न घूमे। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर हमने दोबारा सबको फिर उसी प्रकार से ठोका पीटा और रोकने का प्रयास किया, और फिर हम अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल में कि अब किस प्रकार से अब तैयारियों में लग गए कि अब जहाज डूबने वाला है, अटैच्ड लाइफ लाइंस, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और उसके बाद क्या किया, अटैच्ड लाइफ लाइन जितने भी हमारे जीवन रक्षक सामग्री हैं सबको हमने इकट्ठा किया, डोंट लगाना पहनना वोर करना, ऑयल स्किन्स पहने मोटे मोटे कपड़ों में जिसमें तेल लगे हुए होते हैं, लाइफ जैकेट्स पहने और वेट किया एंड वेटेड। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम आउट एट अबाउट 6 PM, और जो पहला हमारा इस खतरे का, इस मुसीबत का जो पहला इंडिकेशन, तो पहली निशानी हमारी, वह 6 बजे के करीब हमें दिखी विथ एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस मनहूस शांति, बड़ी भयानक डराने वाली शांति। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, और तभी एक भयानक आवाज आई, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द सी, और एक भयानक बादल ने हमारे आफ्ट, यहाँ पर आफ्ट का मतलब, और जब हम एक नेवल टर्मिनोलॉजी है, जब हम समुद्री भाषा में बात करते हैं तो आफ्ट का मतलब पीछे की तरफ, तो हमारे जहाज के पीछे की तरफ को उसने क्या किया, टावर्ड ऊपर उठा दिया विथ हॉरर और भय से। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैं फिर भय के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई क्लाउड नहीं था, कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये तो एक ऐसी लहर थी जैसा कि मैंने कभी भी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, ये
एकदम सीधी नजर आई थी, जैसे कांच होता है ना आईना, उस प्रकार से सपाट सीधी वर्टिकल नजर आ रही थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों से लगभग दुगरी थी। अन्य लहरें मतलब अभी हमने 15 मीटर की लहरें देखी थी, उससे भी बड़ी लहर थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और हमें वह इतनी भयानक लगी, अब उसकी ऊंचाई हमें क्या करती, हमें डरा रही थी। अब यहां पर आकर हम आज के लिए आराम देते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगला पार्ट हम आगे करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू फॉर द टुडे। थैंक यू।